बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिशिंग टाइम में फिशिंग जोन के साथ मैं हूं सैयद हमाद रजा काजमी। तो व्यूअर्स, आज हम चराई पोर्टल में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों के मुतल्लिक मालूमात की अपनी 18वीं वीडियो में आपसे शेयर कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी और इंशाल्लाह ये सिलसिला मैं इसी तरह जारी रखूँगा। इसके साथ साथ मैं आपसे कुछ चराई पाउडर के फार्मूला भी आपसे शेयर करता रहूँगा बीच में, और हो सके तो अभी सीज़न शुरू हो रहा है तो शायद मैं एक अपनी लाइव वीडियो आपसे शेयर करूँ शिकार की। तो व्यूअर्स, आज हमने जिस जड़ी बूटी का इंतखाब किया है ये भी चराई पाउडर में इस्तेमाल होती है और ये है तुलसी। तुलसी को हम पंजाबी में न्याजो भी कहते हैं और ये हमारे बरसगीर पाको हिंद में तकरीबन, क्योंकि इसकी खुशबू बड़ी दिलकश और ख़ूबसूरत है जिसकी वजह से लोग इसको अपने घरों में ऐसे उसकी खुशबू की वजह से ही इसको इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं। और वैसे भी ये मुकद्दस पौधा समझा जाता है हमारे इस्लाम में भी और हमारे जो हिंदुस्तान मुल्क है हमसाया वहाँ पर भी। तो आइए इसके मुख्तलिफ नाम देखते हैं क्या है। अरबी और फारसी में इसको रेहान कहते हैं, उर्दू में भी रेहान कहते हैं और हिंदी में इसको तुलसी कहते हैं और पंजाबी में न्याजबो कहा जाता है इसको और बिबरी भी कहते हैं। रेहान एक ऐसा पौधा है जिसका कुरान मजीद में और हदीस पाक में भी मैं जो है ना दोनों जगह पे इसका जिक्र पाया जाता है। इससे इसकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पौधा जो है ना कितनी अहमियत का हामिल है। कुरान मजीद का इसका जिक्र सूरह रहमान आयत नंबर 12 में और सूरह वाकया में हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पसंद फरमाया है और कई अहदीस में रेहान का जिक्र किया है। आपने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से किसी को रेहान दिया जाए तो इसे इनकार ना करो क्योंकि यह पौधा जन्नत से आया है। बुखारी और मुस्लिम की एक और हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस किसी को रेहान पेश किया जाए वो इसको लेने से इनकार ना करे क्योंकि ये अपनी खुशबू में नहायत उमदा और वजन में हल्का होता है। ये पौधा बरसगीर के मुकामी पौधों में इसका शुमार होता है और बरसगीर में तकरीबन हर जगह पाया जाता है। रेहान या तुलसी या न्याजबो, खानदान इसका पुदीना है, पुदीने की खानदान से ये ताल्लुक रखता है। ये हमारे बरसगीर पाकिस में घरों में कसरत से लगाया जाता है और खुदरो भी होता है। 5000 साल से जायद अरसा से काश्त किया जा रहा है। हिंदुओं में ये पौधा जो है ना मुतबरक समझा जाता है और अपने घरों में वो इसे बरकत के लिए लगाते हैं बल्कि इसकी पूजा की जाती है। यूनानी में सदियों बेशतर इसे खूब वाकिफ थे। ये पौधे दुनिया के दिग्गर ममालिक में भी पाए जाते हैं। जिस तरह एक ही खिते में एक ही पौधे के मकामी में मुख्तलिफ नाम होते हैं, बिल्कुल इसी तरह दुनिया के दिग्गर ममालिक में भी इसके मुख्तलिफ नामों से जाता है। इन खितों में इसके आबो हवा और माहौल की वजह से इन पौधों की शक्ल और शुबाहत और खुशबू वगैरह में इख्तलाफ भी पाया जाता है। रेहान या तुलसी का पौधा इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया और ताइवान में भी बड़ा मकबूल है। यूरोप में इसकी मकबूलियत कुछ कम नहीं। इसे कुदरती दुआओं की माँ और जड़ी बूटियों की मलका के खिताब से पुकारा जाता है। तो मेरे दोस्तों, ये आप को मेरी इस गुफ्तगू से अंदाज़ा हो गया होगा कि तुलसी पौधे की कितनी अहमियत है। इसके अलावा बहुत सी बीमारियों का भी इलाज है, लोग इसका कहवा भी इस्तेमाल करते हैं और यूरोप में हमारे जो है ना इसको खाने की खुशबू दुबाला करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्योंकि इसके अगर मैं फवायद बयान करने लगूँ तो मैं एक घंटे से ज़्यादा ये वीडियो लॉन्ग कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि हम इससे हर्बल या इसके फवायद बयान करते चलें। तो यहाँ हमारा जो एक्सल मकसद है इसमें वो है चराई पाउडर में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियाँ और उनके मुतलिक मालूमात। तो मेरे दोस्तों, इसी खुशबू की वजह से ही हम इसको अपनी जो है चराई पाउडर में भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि करते हैं।
और आप भी कर सकते हैं। तो ये खुशबू इसकी इंतहाई दिलकश है और ये मैंने ये इसके खुश्क फूल हैं, इसके जो खुश्क हो गए हैं ये ग्रीन होते हैं लेकिन खुश्क होने के लिए ये डार्क ब्राउन से हो जाते हैं। तो ये आपने आप पौधे आप मिल जाते आप आपके किसी भी गार्डन में चले जाएं, लोगों ने अपने जो है ना ग्रीन बेल्ट पे ये पौधे अक्सर लगाए होते हैं। ये तुलसी का पौधा है और मैं इसकी मैंने अपनी वीडियो में स्टार्ट में इसकी जो है ना पौधों की शक्ल भी और इसकी भी वीडियो तस्वीर इसकी तस्वीरें आपसे शेयर इसकी तस्वीरें आपसे शेयर की हैं तो आप उसे तस्वीर से देख सकते हैं। लेकिन ये खुश्क होने के बाद ये जो है ना इस तरह की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो मेरे दोस्तों आपने ये इसके फूल उतार लेने, ये अगर आप इनसे पाउडर बना लो, अगर ये शाखें भी साथ इसके आप कर लें पिसवा लें तो कोई मसला नहीं है। तो ये भी आप चराई पाउडर में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी मिकदार आपने फर्ज करें कि अगर चराई पाउडर आपने बनाने, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक फार्मूला आपसे शेयर किया फार्मूला नंबर 2, इसमें कपूर कचरी 100 ग्राम, कबाबा और बालछड़ और कबाबे खंडा 50-50 ग्राम था। अगर आप उनके साथ इसको इस्तेमाल करना चाहें तो उसमें आप इसको भी 50 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एज ए जो है ना चराई पाउडर के बाद जब चराई पाउडर 1 चम्मच डालते हैं उस वक्त इसको इस्तेमाल करें जो तो वो हाफ चम्मच जो होता है ना वो आप इसको चराई में डाल सकते हैं उस वक्त जो जब तैयार चराई आप तैयार कर रहे हो। तो ये थी मेरे दोस्तों आज की मेरी वीडियो। और जिन मेरे दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मेरे जिस तरह व्यूज़ आ रहे हैं मेरी वीडियोस पे उस तरह जो ना सब्सक्राइब मेरे दोस्त नहीं कर रहे, तो मेरे दोस्तों जिस तरह आप व्यूज़ कर रहे हैं उसी तरह प्यार और मोहब्बत से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि लोग मेरे चैनल से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। आप सब लोग जानते हैं कि जो चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये हर कोई शिकारी किसी से शेयर नहीं करता। ये ऐसे फार्मूले हैं कि लोग उम्र गुजार देते हैं लेकिन उस्ताद साहिबान अपने शिगिर्दों को ये चीज़ें नहीं बताते। लेकिन मैं ये आप लोगों का प्यार मोहब्बत देख के ये मजबूर हो गया हूँ कि मैं आपसे अपनी जो है ना ज़िंदगी का तजर्बा आपसे शेयर करूँ। और इंशाल्लाह आप भी इन स्टेज पर पहुँच जाएंगे कि आपको किसी पर्चे की ज़रूरत नहीं होगी, मेरी ये वीडियो देख के आप जो है ना ख़ुद अपनी चराई का इंतखाब कर सकते हैं। और दुआओं में याद रखें, खुदा हाफिज़ फिशिंग, खुदा हाफिज़ खुदा हाफिज फिशिंग जोन के साथ सैयद हमाद रजा कासमी, खुदा हाफिज़।